दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेरचौक मंडी। पंजाब वेतन आयोग के तहत प्रैक्टिस अलाउंस 25 से 20% कर बेसिक वेतन डी लिंक करने के रोष स्वरूप क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में चिकित्सक 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इसका असर अस्पताल में इलाज करवाने पहुंचे लोगों पर दिखा। लोग अपने मरीजों के साथ ओपीडी के बाहर चिकित्सकों के कार्य करने के इंतजार में परेशान होते रहे। वहीं चिकित्सा अधीक्षक एसएल वर्मा ने कहा कि रविवार को भी हिमाचल प्रदेश के सभी चिकित्सकों द्वारा 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। उधर प्रदेश भर में हेल्थ स्टाफ डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मात्र आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर करीब 2 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप रखी गई। जोटा एरिए से आया हूँ, लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ लगभग 1 घंटा हो गया है। अभी डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं, हमें नहीं मालूम कहाँ है। क्या दिक्कत है? मैं केंद्रीय विद्यालय सलाहपुर में टीचर हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना टेस्ट कराया था कल इमरजेंसी में, कल छुट्टी थी पता नहीं था मुझे, तो काफी देर से बैठा हूँ। 8 बजे आ गया था यहाँ पे, कुछ अभी सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही, रिपोर्ट भी किसी ने कुछ नहीं देखी है, बस बैठे हैं यहाँ पे इंतजार करते हैं बाहर। तो जब आप यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या बताया गया आपको? यहाँ पे बोला कि लाइन में लगो, बस इतना बताया, आज बाकी कुछ नहीं बताया गया। तो रश कैसा है और डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर सर किसी कहीं है पता नहीं, अभी तक तो आए नहीं है। मुझे तो कुछ आराम है नहीं, अभी टेस्ट हुआ था कल, अभी दवाई वगैरह कुछ नहीं मिली। आपके पत्र के माध्यम से, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से भी हम सबको पता चलता है कि केंद्र सरकार का जो 6 पे कमीशन है, उसमें जाना जो कुछ एक स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं जो कि हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के फेवर में नहीं है। जैसे कि हमारा जो हमारा एनपीए होता था, नॉन प्रैक्टिकल अलाउंस जो है, जो डॉक्टर्स को मिलता था, 25% से रिड्यूस करके 20% कर दिया गया है, जो कि एक बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है। हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, थ्रू आउट इंडिया बहुत मेहनत करते हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स जो है ना, हमेशा कोरोना काल में हम कोरोना वॉरियर के नाम से मशहूर थे। माननीय प्रधानमंत्री ने भी हम लोगों को कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी थी, और बहुत सालों में आपको पता है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो है ना, वो फूल की पत्तियां भी ऊपर से हेलीकॉप्टर से बिखेरी गई थी, इसलिए कि बहुत अच्छे से काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ बहुत अच्छे से काम करता है, पर एक तरह से ऐसा लगता है जो हमारे जो सेंट्रल बॉडी है उनको लगता है, हमें भी लगता है कि थोड़ी सी हमारे साथ जो है ना, वो नाइंसाफी की गई है। तो उसकी वजह से जो है ना, हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो दुखित है इस चीज को जान के कि 25 से 20% यूज कर दिया गया, साथ में इसको जो एनपीए को डीलिंक भी कर दिया गया। हमारे बेसिक के साथ ये एनपीए जुड़ जाता था, जिससे कि डीए उसके ऊपर लगता था और हमारी सैलरी पैकेज अच्छा हो जाता था, जो हमारी मेहनत का एक तरह का जो है ना, वो एक तरह का वो जो है ना प्रूफ है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। उसकी वजह से जो है ना, हमारी फ्रेटर्निटी जो है ना, मेडिकल फ्रेटर्निटी दुखित है। दुखित जब होता है इंसान तो कुछ ना कुछ डेलीगेट करता ही है, तो उसके एवज में हमारे डॉक्टर जो है ना, ये आज और अगले कल तक पेंडन स्ट्राइक पे हैं 2 घंटे के लिए, और ये कल तक है। उसके बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चलती रहें, उसमें किसी को जाना बाधा ना पहुंचे, और हमारे डॉक्टर जो यहां भी बैठे हैं ये भी इमरजेंसी सर्विसेज में अपना भागीदारी दे रहे हैं, और जब भी इनको कॉल आती है ये इमीडिएटली जो ना कॉल पे चले आते हैं। तो पेशेंट को हम ये दुविधा नहीं होने दे रहे कि उनको कोई किस तरह का परेशानी। सर ये तो इस टाइप की बात, लेकिन आज अस्पताल में भीड़ बहुत देखी जा रही है, कारण क्या मानते हैं, किस वजह से लोगों की इतनी भीड़, होमगार्ड के जवान भी आज कम पाए जा रहे हैं? देखिए, होमगार्ड के जवान तो वही है, उतने ही है जितने पहले से थे, उसमें कोई कमी नहीं गई है। रही बात ये कि क्योंकि पेंडेंट स्टॉक साइक है हमारे डॉक्टर्स की, तो उसकी वजह से थोड़ी भीड़ ऑब्वियस है, वो लगनी है थोड़ी भीड़, तो जैसे ही डॉक्टर्स हमारी ओपीडी में जाएंगे भीड़ कम। सर जैसे कि आपने बताया 2 घंटे की स्ट्राइक है, कितने बजे से कितने बजे तक है डेली? 9:30 से लेके और 11:30। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जंगल बेरी में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने बताया कि मंगलवार को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर निर्धारित समय के तहत स्ट्राइक रखी गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा और सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेरचौक मंडी हिमाचल प्रदेश, pioneer in education for last 21 years, excellent facility, modern labs,
finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, D.L.Ed, B.Pharmacy, B.Tech, Diploma, A.N.M, G.N.M, B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing, M.Sc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details: 9816400520, 9816700520, 9816005139.